वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने लेआउट का स्टार्टअप देखा कि हम लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, और उसके बाद हमने अपने वर्क को यहाँ तक पहुँचाया था जिसका प्रीव्यू आपके सामने इस वक्त मौजूद है। मज़ीद आगे फर्दर चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हमारा बेसिक टैम्पलेट जो है वो दो टैग पर मुश्तमिल है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड पर। तो मैं इस पूरे एरिया को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसकी इंटरनल जो पार्ट मौजूद है उसे मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे यहाँ पर लगाएंगे या उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि एक लोगो एक और डिज़ाइन किया जाए, और इसी तरह उस लोगो के सामने यहाँ पर एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स हो और उसके सामने एक बटन मौजूद हो। ये दोनों ये एरिया हमारे हेडर के अंदर काउंट होगा। लिहाजा ये करने के लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पर आके एक और डिव डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि टैम्पलेट तो हमारा ऑलरेडी वैसे ही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिव ओपन क्लोज, सिमिलरली डिव ओपन एंड क्लोज। मैं जूम कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक और इमेज का टैग ओपन करता हूँ, src करता हूँ, कोई इमेज ले लेता हूँ, टैग क्लोज करता हूँ। टैग क्लोज करने के बाद इसकी विड्थ और हाइट भी दे देते हैं साथ ही साथ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 100 और इसी तरह इसकी हाइट दे दी 60 pixels। सिमिलरली दूसरे डिव पे हम चलते हैं। दूसरे डिव के अंदर मुझे एक फॉर्म जनरेट करना है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर मुझे ये बताना होगा कि टेक्स्ट बॉक्स और बटन की विजिबिलिटी क्या होगी और किस तरह से वो दिखना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद फॉर्म का टैग ओपन क्लोज करूँगा, और इस फॉर्म के टेक्स्ट के अंदर मुझे एक इनपुट टाइप लेना होगा। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्स्ट के लिए बना रहा हूँ। ऑल दो इस पर भी हमारा सेशन सेपरेटली सेशन बना हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी सजेशन ये कि पहले वो देखें, ताकि आपको वहाँ पर फॉर्म और इनपुट टाइप्स पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसकी क्या वजह है, वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आएंगी। प्लेस होल्डर के हवाले से भी बात हुई है, तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ सर्च, ठीक है, और इस टैग को मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद एक और हम इनपुट टाइप बनाते हैं, और मैं इसको नाम देता हूँ इनपुट टाइप बटन। तो सजेशन पे आप देख रहे हैं बटन आ गया, और इसकी वैल्यू जो कि इस पे विजिबल होगी वो मैं लिख देता हूँ सर्च, एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। तो फर्स्ट डिव जो हमने इमेज के लिए बनाया था, इसको मैं एक आईडी असाइन करता हूँ, और इसको आईडी देते हैं हम लोगो लेफ्ट साइड। एंड सिमिलरली जो दूसरा डिव है हमारा, इसे भी हम एक आई डी असाइन करते हैं, और इसे नाम देते हैं लोगो राइट साइड, दैट्स इट। कंट्रोल एस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका व्यू देखते हैं कि ये हमें किस तरह से दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये इमेज है अपनी जगह, ये सर्च टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, और ये हमें बटन दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब इसकी CSS की प्रॉपर्टी की बारी है कि हम CSS में इसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले तो हम लोगो लेफ्ट साइड पे काम करते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, और हम अपने प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं CSS के, क्योंकि ये एक आईडी का नाम है, लिहाजा मैंने पेस्ट किया, बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की। ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है जहाँ पर हमारी इमेज मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं इसे एक बॉर्डर दे देता हूँ फॉर स्टाइलिंग, तो 2 pixels सॉलिड रेड, एंड डिस्प्ले इन लाइन करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमें इन लाइन चाहिए ताकि मैं उसी के सामने एक पैरेलल दूसरी चीज़ को भी ला सकूँ। ये काम हमने पहले वाले टेम्पलेट के लिए भी किया हुआ है, ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है लोगो राइट साइड, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद CSS की प्रॉपर्टी पर आते हैं, हैश साइन लिखूँगा, पेस्ट करूँगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की। सबसे पहले तो हमें फ्लोट करना है राइट पर, जिस तरह हमने ऊपर किया था, इसी तरह लाइन हाइट देंगे हम इसे, ताकि ये लाइन हाइट अपनी एडजस्ट करे, और इसे मैं 70 pixels देता हूँ। नाउ मार्जिन ऑटो करेंगे, और साथ ही साथ 50 pixels भी दे दूंगा। कंट्रोल एस करता हूँ, जूम आउट करते हैं, प्रीव्यू चेक करते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें इसके बिल्कुल पैरेलल आ चुकी हैं, ठीक है। और अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स और सर्च बटन पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें कुछ स्टाइलिंग इफ़ेक्ट्स शामिल हो और इसकी यूज़र इंटरफेस जो है मज़ीद बेहतर दिखे मुझे। तो ये करने के बाद
सोर्स पे वापस चलते हैं और फॉर्म के अंदर अगर आप बगौर देखो तो फॉर्म में आपको आईडी नहीं नज़र आ रही है, ताकि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ या बटन पे, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक आईडी असाइन करनी होगी। तो मैं इसे भी एक आईडी असाइन करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। सिमिलरली बटन पे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो इसे भी एक आईडी असाइन करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ बटन। ओके, नाउ टेक्स्ट स्टाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, सीएसएस फाइल पे गया, जूम करता हूँ और अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैंने उसकी आईडी को कॉपी पेस्ट किया और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊँगा कि टेक्स्ट स्टाइल पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने इस पर हाइट बताई, तो हाइट ले लिया मैंने 30 पिक्सल और साथ ही साथ मैंने बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करूँगा ताकि उसमें कर्व आ जाए। तो बॉर्डर डैश आर ए डी कंट्रोल स्पेस और बॉर्डर रेडियस पे मैंने 8 पिक्सल दे दिया, यानी 1 पिक्सल बेंड होगा वो कर्व बनाएगा। तो कंट्रोल एस करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो इस पर इफेक्ट अभी वाजे नहीं हुआ, मुझे चेक करना होगा कि कोई गलती तो नहीं हुई है। हम दोबारा चलते हैं, कंट्रोल एस नहीं किया था मैंने यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि ये एरिया थोड़ा सा स्टाइलिंग में बाइंड हो गया और उसकी हाइट भी बढ़ गई। अब यही प्रॉपर्टी मुझे बटन पे भी अप्लाई करना है ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो। तो बटन के नाम से आईडी मौजूद है, कॉपी किया, सीएसएस की फाइल पर आया, एंटरप्राइज किया हैश बटन प्रॉपर्टी, जूम करता हूँ। नाउ बटन पे जो प्रॉपर्टी लगानी है मुझे, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ उस पर, तो बैकग्राउंड कलर लिया मैंने और हैश प्रेस करूँगा और मैंने बैकग्राउंड कलर ये ले लिया सेमी कॉलन, एंटरप्राइज करूँगा कलर लेता हूँ, कलर यानी फोरग्राउंड कलर मैंने ले लिया ब्लू सेमी कॉलन, इंटरप्रेस करूँगा बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल लेते हैं और उसके बाद मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कंट्रोल एस करते हैं, जूम आउट करता हूँ, वेब ब्राउज़र पर जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा और अब आप इसकी विजिबिलिटी देख रहे हैं कि बटन का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है उस स्टाइल के जो प्रीवियस में हमारे पास मौजूद था। अब ये एरिया और ये एरिया दोनों कलर पे आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला जो एरिया मैंने बनाया है वो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आए। इसके लिए एक काम करते हैं, हम HTML पे जाते हैं और अपने बेसिक टैम्पलेट पर एक और मैं क्लास ऐड करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डार्क। तो वाजह रहे कि आप जब HTML पे काम कर रहे होते हैं तो एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट नेम ऑफ़ दी क्लास होगी उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वही चीज़ एक्सेस की जा सकती है। लिहाजा मैं डार्क के नाम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, CSS फाइल पर आता हूँ और जहाँ पर मैंने पेरेंट बनाया हुआ है उसी के नीचे मैं यहाँ पर एक डार्क के नाम से क्लास बनाऊँगा और जो प्रॉपर्टी मैंने बैकग्राउंड की ऊपर इस्तेमाल की हुई है मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इस ग्रे की जगह मैं हैश प्रेस करूँगा और मैं इस कलर को लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो इस पर इसका इफेक्ट नहीं आया, मुझे पहले यहाँ पर भी सेव करना होगा HTML, देन मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देख रहे हो कि उसका UI चेंज हो गया, ऑल्दो हम कलर को बाद में चेंज कर लेंगे, अभी तो हम बेसिक UI देख रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है, हम उसके बैकग्राउंड पर जाके कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हमने मज़ीद इन्हेंस किया अपने नेविगेशन बार को कि हम किस तरह से डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स को ला सकते हैं इमेज के साथ, बटन एडजस्ट करना, ठीक है अब यहाँ पर प्लेस होल्डर मौजूद है, ठीक है बटन अपनी जगह मौजूद है, प्रेस पुश पे काम करेगा और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और जो भी कंपनी उसको डिज़ाइन कर रही है उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम इसी के साथ हेडर का एरिया हमारा यहाँ पर एंड होता है, नेविगेशन करेंगे और फिर नेविगेशन के बाद हम स्लाइडर की तरफ मूव करेंगे, ऑल्दो अभी हम स्लाइडर हमने पढ़ा नहीं है लेकिन स्लाइडर की जगह हम इमेज एडजस्ट करके देखेंगे कि वो इमेज एज अ स्लाइडर हमें किस तरह से फ्यूचर में दिखेगी। इस वीडियो सेशन पे इतना ही।